तो स्वागत है आप सभी का सनकी पायलट के ब्रांड न्यू शो रेलवे वीकली अपडेट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट एमएस राजपूत आज आपको बताने वाला हूँ रेलवे जगत में घटित होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में, जिसे सुनकर आप सभी एक ही स्वर में कहेंगे मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अगर बात लफड़े की जाए तो इन दिनों एनसीआर के आगरा डिवीजन तथा डब्ल्यूसीआर के कोटा डिवीजन के मध्य वंदे भारत को लेकर गैंगवार शुरू हो गई है, जिसे इतिहासकारों ने नाम दिया है गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। देखो, रेलवे का प्रत्येक जोन छोटे छोटे डिवीजन में बंटा होता है तथा हर डिवीजन चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों की कमांड हो। मगर क्यों? क्योंकि इससे डिवीजन में काम करने वाले कर्मचारियों का फास्ट प्रमोशन होता है तथा इसमें लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट तथा ट्रेन मैनेजर को जल्दी ही पैसेंजर ट्रेनें मिलने लग जाती है। लेकिन अगर तुम्हारी पोस्टिंग किसी फुद्दू डिवीजन में हो जाती है जिसके पास चलाने के लिए नाम मात्र पैसेंजर ट्रेनें हो तो मुझे फिर को चचा ने राजस्थान के उदयपुर से यूपी के आगरा तक वंदे भारत की शुरुआत की। अब इस नई नवेली वंदे भारत को कोटा से आगरा ले जाने तथा आगरा से दोबारा कोटा लाने के लिए दोनों डिवीजन के लोको पायलट एक दूसरे से यही बोल रहे हैं गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। जब कोटा का क्रू वंदे भारत को आगरा तक लेकर गया तो वहाँ के रनिंग स्टाफ ने उनका शानदार स्वागत किया। जब कोटा गैंग को पता चला कि उनके सफेद हाथी के साथ आगरा में अत्याचार हुआ है तो उन्होंने वंदे भारत को वापस आते समय आगरा के क्रू को गंगापुर सिटी में उतार कर बाहर फेंक दिया। हालांकि रेलवे बोर्ड ने रेफरी की भूमिका निभाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वंदे भारत ट्रेन को कोटा से लेकर आगरा तक कोटा का स्टाफ तथा आगरा से लेकर गंगापुर सिटी तक आगरा का स्टाफ लेकर आएगा। लेकिन फिर भी दोनों डिवीजन के लोको पायलट से मैं यही कहना चाहूंगा, एक और जहां आगरा और कोटा के लोको पायलट कैब में घुसने तथा वंदे भारत की हॉट सीट पर बैठने के लिए एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, वहीं राजस्थान की महिलाएं देश संकट में है। अगली खबर जुड़ी है रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट की स्टार पोस्ट कही जाने वाली टीटी से। 15 अगस्त 2024 को मुंबई के एसी लोकल में टिकट चेक करते समय एक यात्री के पास फर्स्ट क्लास लोकल का टिकट होने पर टीटी द्वारा उसे जुर्माना भरने को कहा गया। फर्जी पैसेंजर और उसके 3 साथियों द्वारा वृद्ध टीटी के साथ मारपीट का वीडियो देख कर बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई। हालांकि बाद में आरपीएफ आने पर इन तीनों की सारी एकड़ी निकल गई और आरपीएफ के सामने वो एक स्वर में चिल्लाने लगे, भैया मेरा मुंह निकल गई, क्या बता, कोई को मत बुलाना, मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। सरदार जी के प्रति मेरे दिल में रेस्पेक्ट उस समय और बढ़ गई जब इतनी बदसलूकी के बाद भी कर्मकांडियों द्वारा लिखित में माफी मांगने पर सरदार जी ने उन्हें माफ कर दिया। इसलिए मैं तो यही कहूँगा सर ये तो गोल्ड है। अगली खबर आ रही है झांसी से, जहां ग्वालियर से झांसी की ओर जा रही पातालोक एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में यात्रियों ने फेक महिला टीटी का जमकर मजाक उड़ाया। अरे आपका आईडी कार्ड दिखा दो एक बार, आईडी कार्ड नहीं, जॉब नंबर क्या है आपका, जॉब नंबर क्या है आपका, नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, कोई बात नहीं, आपके पास टिकट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है, हमारे पास तो टिकट नहीं है, नहीं हमारे पास तो। फर्जी टीटी को टिकट दिखाने से मना करने के बाद भी इस वीरांगना के द्वारा बेशर्मों की तरह वहीं खड़े रहने की घटना को देखकर मैं तो यही कहूँगा चावल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। अगली खबर आ रही है केंद्र सरकार की ओर से, जहाँ सरकार ने अपने 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पश्चात में आधी सैलरी पेंशन के रूप में देने वाली यूपीएस योजना का उद्घाटन किया, जिस पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा वाह मोदी जी वाह वाह। हालांकि अभी भी कुछ ट्रेड यूनियन को 2004 से पहले वाली अपनी एक्स मेरा मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम की बहुत याद आ रही है, जिसके मुख्य 3 कारण हैं। ओपीएस में जहां पेंशन के लिए कर्मचारी की सैलरी से कुछ भी नहीं कटता था, वहीं यूपीएस में हर महीने बेसिक तथा डीए का 10% सैलरी से कटवाना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट वाले मंथ की सैलरी का आधा पेंशन के रूप में तब तक मिलता था जब तक कि तुम टपक ना जाओ, जबकि यूपीएस स्कीम में रिटायरमेंट वाले पूरे साल की सैलरी का एवरेज निकाला जाएगा तथा उसके बेसिक का आधा तुम्हें पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सरकारी सेवा से इच्छा मृत्यु मेरा मतलब वीआरएस लेने पर जहां ओपीएस में तुम्हारी पेंशन तुरंत चालू हो जाती थी, वहीं यूपीएस में पेंशन लेने के लिए तुम्हें 60 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इन्हीं सब छोटे मोटे डिफरेंस के कारण जहां सरकार का कहना है कि ओपीएस और यूपीएस में 19-20 का फर्क है, वहीं केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। अगली खबर आ रही है मानव इतिहास की सबसे डम जनरेशन कही जाने वाले चेंजी प्रजाति से। चेंजी प्रजाति के कुछ चूजों ने ट्रैक पर पत्थर जचाने का नया खेल शुरू किया है। यहाँ पर क्या करने आया, पत्थर क्यों रख रहा है, देखा देखा इसको देखा अंकल, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज अंकल प्लीज,
अरे तुम दिखाओ ना यार, तुम यहाँ देखो ना, अब से नहीं करेगी जा, माँ की कसम अब से ना। एज में तुमसे 450 साल बड़ा होने के कारण मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि तुम्हारे देखे देखे आतंकवादियों ने ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखना शुरू कर दिया, इसलिए गलती से तुम पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो मार मार के तुम्हारा पिछवाड़ा सुझा देगी, इसलिए सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये ठीक है। एक और जहाँ ये चूजी ट्रैक पर पत्थर जचा रहे हैं, वहीं देश की प्रगति में रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कुछ युवा स्प्लेंडर से 120 टन के इंजन को खींचने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि बाकी बच्चे मनिया सुरबे बन के ट्रेनें रुकवा रहे हैं और बूढ़े जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है, जितना भी विकास हो रहा है आईबीटी नोट के मोनली फूड टैक्स सिर्फ दारू में ही हो रहा है। अगली खबर आ रही है एसबीआई के कर्मचारियों से भी स्लो चलने वाले आईआरसीटीसी ऐप से। बिहार के गोरखपुर में सेना के जवानों को आईआरसीटीसी से बुक किए गए खाने में शॉर्ट सप्लाई की बात को दबाने के लिए आर्मी ऑफिसर को मिठाई मलाई के रूप में रिश्वत देने का प्रयास किया गया। राहुल श्रीवास्तव, ये उनके साथ दो इनके हैंचमैन, इनका फोटो दिखाओ। इन लोगों ने शॉर्ट सप्लाई दे रहे हैं ये लोग आईआरसीटीसी का, यहाँ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हम लोगों को लंच दिया जा रहा है। ये लोग मेरे लिए नजराने लेकर आ रहे हैं क्योंकि शॉर्ट सप्लाई दे रहे हैं वहां पर, जिसकी कंप्लेंट जो है मेरे असिस्टेंट कमांडेंट ने की। मैंने आज तक की सर्विस में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई आईआरसीटीसी की तरफ से किसी भी, मैं तो एडहॉक कमांडेंट या ट्रेन कमांडर की ऐसे ऐसे 4-5 बार चल चुका हूं। ये देखिए मेरे लिए जो है फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, ये मेरे लिए मिठाई लेकर आ रहे हैं, इसलिए ताकि मैं जो है इनकी मिठाई और फ्रूट्स एक्सेप्ट कर सकूं और जवानों को कम खाना खिला सकूं। ये मैल प्रैक्टिस या ये जो ब्राइब करने का तरीका है, रिश्वत देने का, ये देखिए ये आईआरसीटीसी के ठेकेदार कर रहे हैं। आर्मी ऑफिसर की ऐसी ईमानदारी को देखकर मैं तो यही कहूँगा, सर ये तो गोल्ड है। जल्दी ट्रेन में होने वाले मुजरों की संख्या को दिन ब दिन बढ़ता देख आईआरसीटीसी ऐप ने आपदा को अवसर में बदलने का एक नया प्रयास शुरू किया है। अज्ञात सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यात्रियों द्वारा टिकट बुक करते समय सीट के साथ मुजरा प्रेफरेंस का नया फीचर ऐड करने पर विचार किया जा रहा है। आईआरसीटीसी ऐप के इस नए फीचर पर अखिल भारतीय लौंडा समाज के अध्यक्ष श्री जॉनी सिंस का कहना है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। अगली खबर जुड़ी है कानपुर के निकट साबरमती एक्सप्रेस के डिरेलमेंट के पश्चात भांग खाकर लोगों में उत्पात मचाने वाले यूपी तक के न्यूज रिपोर्टर से। भी है मौके पे, जिनकी जिम्मेदारी थी यात्रियों को सकुशल पहुंचाना, वो यहां खुद मौके पे हैं, एक्सीडेंट हो गया है। इन्हें पूछ रहे सर क्या नाम है आपका? हम आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते हमारी। सर क्या नाम है आपका? आप ही को बुला, इंस्पेक्टर साहब को बुलाइए। एक्सीडेंट कैसे हुआ सर? अभी वहां रखिए ना, आपने आपको आप ट्रेन चला रहे थे, एक्सीडेंट हुआ कैसे? कै बजे करीब हुआ? कै बजे कुछ बताएंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप पहले तो इंजन पे चढ़े आप बिना पूछे। ये कोई आदमी है जो इंजन पे चढ़ के आ गया? ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुआ ये बताइए, हमारा काम है पूछना ना। आप इनको जो है उतारिए। हालांकि मीडिया को सवाल पूछने का अधिकार होता है, लेकिन जवाब देने के लिए जब रेलवे ने ऑफिसर बिठा रखे हो तो बिना परमिशन के लोगों में घुसने और बिना सोचे समझे लोको पायलट को डिरेलमेंट का जिम्मेदार ठहराने के लिए ऐसे रिपोर्टर को जनता माफ नहीं करेगी। अगली खबर आ रही दिल्ली से, जहां हमारे राहुल गांधी रेलवे के ऑरेंज आर्मी कही जाने वाली ट्रैकमैन और गैंगमैन के प्रतिनिधियों से मिले। देश के रेलवे ट्रैक की सुरक्षा करने वाले 3.5 लाख ट्रैकमैनों में से हर साल 550 ट्रैकमैन थकान के कारण पटरियों पर शहीद हो जाते हैं, इसलिए ट्रैक पर काम करते समय गाड़ी आने पर टैग टैग करके बजने वाले जीवन रक्षक डिवाइस की मांग इन्होंने राहुल गांधी के सामने रखी। LDC नामक डिपार्टमेंटल एग्जाम में इनकी ना के बराबर सीट होने के कारण इनको पूरा जीवन पटरियों पर ही गुजारना पड़ता है, इसलिए LDC एग्जाम में इनकी सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग भी रागा के सामने रखी गई। हालांकि एक तरफ से आलू डालकर दूसरी तरफ से सोना निकालने वाले रागा को पब्लिक बहुत ट्रोल करती है, लेकिन रागा की इस मुलाकात के दूसरे ही दिन समझ रहे हो ना। और अंत में रेलवे परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों से मैं यही कहना चाहूंगा कि वर्तमान में RRB ELP की 18,799, RRB टेक्नीशियन की 14,298, RRB JEE की 7,951, RRB NTPC की 11,558 और RRB RPF की 4,660 पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई है, इसलिए खाना पीना सब छोड़कर दिन में 28-28 घंटे जम के मेहनत करो, पढ़ पढ़ के बावड़े हो जाओ, क्योंकि सरकारी नौकरी से बढ़कर ना कोई अच्छी जिम है ना कोई ब्यूटी क्रीम। ब्रो अगर तुम बैगन भी हो ना तो शाही पनीर तुम्हारा।